बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, बाजार में तो आज काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन ऐसे में मिड कैप में कहाँ मौके देख रहे हैं आप तेजी इन्वेस्टमेंट के लिए? गुड आफ्टरनून। मिड कैप स्पेस में हमें अभी भी लगता है कि दो स्टॉक्स में हम काफी बुलिश हैं। पहला स्टॉक है कीस्टोन डेवलपर्स, जो कि रुस्तम जी कंपनी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका करंट प्राइस 690 रुपीज का है और हमें लगता है कीस्टोन रियल्टर्स में अभी भी 40% का अपसाइड आ सकता है और 960 रुपए का लक्ष्य बनता है एक साल की अवधि के लिए बाय जुलाई 2025। इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बोमा मीरानी है, जिनके रहते हुए कंपनी काफी बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रही है, मेजरली रेसिडेंशियल स्पेस में, मेजरली मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जो कि काफी प्रीमियम और लग्जरी स्पेस है। उसमें कीस्टोन रियल्टर्स का काफी बड़ा फुटप्रिंट है। कंपनी के अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 78% है, जो कि काफी कंफर्टिंग है, और पिछले कुछ महीनों में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, जो कि तकरीबन 20% की है। तो 78% प्रमोटर होल्डिंग, 20% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बाद तकरीबन 98% स्टॉक प्रमोटर प्लस इंस्टीट्यूशंस के पास है। कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, एक बहुत बड़ा अपसाइड स्टॉक में आ सकता है। 960 रुपए का एक लक्ष्य बनता है एक साल की अवधि के लिए। मिड कैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रहेगा वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस। इसका करंट प्राइस 43 रुपीज का है और ईपीएस 1.5 रुपीज का है। हमें लगता है इसका ईपीएस धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे तो पहले नेगेटिव ईपीएस था, फिर फ्लैट हुआ और अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। डेटर डेज 90 डेज से कम होकर 63 डेज हुए हैं। सेल्स नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछले तीन साल में मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 तक सेल्स 7 टाइम्स बढ़ गया है। तो वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस फंडामेंटल मैट्रिक्स पे बहुत अच्छा कर रहा है। गोयनका ग्रुप कंपनी है, 55% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कंफर्टिंग है। तो एक साल का लक्ष्य हमें लगता है इसमें यहाँ से 80 रुपए का होगा, तकरीबन 100% का अपसाइड पॉसिबल है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस बाय जुलाई 2025 100% अपसाइड पॉसिबल। ये हमारा दूसरा मिड कैप स्टॉक रहेगा इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए दो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए, एक तो वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं अगले एक साल के लिए 80 रुपए के लक्ष्य के लिए, आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। राघवेंद्र, एक व्यू आपसे लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी एक्सक्लूसिव खबर चला रहे थे, क्योंकि ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है ओला इलेक्ट्रिक का, और उस पर हमारे सहयोगी अभी हमें जानकारी दे रहे थे कि कंपनी आईपीओ का जो साइज है वो घटा सकती है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्या ट्रैक कर रहे थे आप ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को, और अब जो साइज घटाने की बात की जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। 7,250 करोड़ से घटाकर 6,500 करोड़ का हो सकता है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन होगा कंपनी का, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रमोटर अब कम हिस्सा बेच सकते हैं इसके जरिए, तो इस ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं, क्या इसका ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को इनिशियल रिस्पॉन्स में कुछ फर्क आप देख रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक तो जो आईपीओ आएगा वो सब्सक्राइब होने का तो फुल संभावना है, चाहे वो 7,200 करोड़ का आता या घटाकर अगर 5,600 करोड़ का भी करें। तो जो एक आईपीओ यूफोरिया है प्राइमरी मार्केट में, जो एक अपबीट मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। तो अगर स्टॉक में अगर ये इनका आईपीओ साइज घटाते हैं तो हमें लगता है ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और लिस्टिंग गेन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर ये IPO चाहे 7,200 करोड़ का या 5,600 करोड़ का है, इट्स अ सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका अपना ही पूरा एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ काफी अट्रैक्टिव है और इसका इंतजार भी है, और इस वक्त आईपीओ मार्केट में यूफोरिया भी चल रहा है, तो ये जो खबरें आ रही है, अपडेट आ रही है, अभी इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट कंपनी के रिस्पांस को नहीं पड़ेगा। तो ये है पूरा एनालिसिस, बाकी जो भी अपडेट आता है वो हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।